सर, क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1728 टू बेस 2 रेज़ टू पावर 3। यहाँ देखें लॉग हमारे पास है, वह इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे। देखिए लॉग 2 रेज़ टू पावर 3 1728 इज इक्वल टू एक्स। एक्स के इक्वल हो जाएगा, लॉगरिथम को कन्वर्ट करिए एक्सपोनेंशियल में, तो यू हैव 2 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1728। अब देखिए 1728 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे तो आपके पास ये देखेंगे फैक्टर्स मैंने साइड में फाइंड किए हुए हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 की मैं पावर हाफ कर लूँगी, 3 होल रेज़ टू पावर एक्स, और यहाँ पे 2 इंटू 3, तो देखिए 2 की पावर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगी, और 3 रेज़ की पावर 3। अंडरस्टैंड? अब यहाँ देखें 3 की पावर मैं लूँगी हाफ, होल रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2, 3 की पावर भी हाफ लेने के लिए मैं क्या करूँगी, 3 की पावर हाफ लूँगी, तो ये होल की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 6। देखिए पावर हाफ मैंने बैलेंस करी, बेसिस सेम किए तो हमारे पास एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, एज द बेसिस आर सेम। देखिए बेसिस सेम होंगे, एज द बेसिस आर सेम, वी कंपेयर एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक्स इक्वल आ जाएगा 6 के। याद रखिएगा जब भी पावर फाइंड करनी होती है बेसिस को सेम करना पड़ेगा, बेसिस सेम हो जाएंगे तो एक्सपोनेंट को हम कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 टू बेस 5 रूट 5, तो लॉग्स में लिखेंगे लॉग बेस 5 रूट 5 रेज टू पावर 125 इज इक्वल टू एक्स। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए 5 रूट 5 होल रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 125। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, अब देखो बेस इक्वल करेंगे 5 इंटू 5 रेज टू पावर हाफ होल रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 5 बेस करेंगे तो 5 की पावर क्यूब हो जाएगी। अंडरस्टैंड? 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इज इक्वल टू, अब देखो बेसिस सेम कर दिए हमने, हम और मजीद बेस सेम करेंगे, 1 प्लस हाफ यानी x प्लस हाफ यानी x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 3। बेसिस सेम है हमने ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा बेसिस एज द सेम, एज द बेसिस आर सेम इक्वल, देन वी कंपेयर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से तो ये 6 हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 6 अपॉन 3 यानी x इज इक्वल टू 2 के। Hence, the value of x is equal to 2. Understand? Student, let's see, start question number 23. Question number 23 is find the value of log 8 raised to power 128. So, log 8 128 ko hum equal le lenge x ke aur convert karenge exponential mein. To ye ho jayega 8 raised to power x is equal to 128. Understand? और अब इसको पावर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर एक्स
2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, 128 को 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 7। अंडरस्टैंड? अब बेसिस हमने सेम कर दिए, पावर्स को इक्वल कर लेंगे, 2 रेस टू पावर 3x इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 7। एज द बेसिस आर सेम, देखिए बेसिस सेम कर लिए तो पावर इक्वल हो जाएंगी, एज द बेसिस आर इक्वल द पावर वी कंपेयर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। यही आपका आंसर है। अगर इसको मजीद सॉल्व करो, होल नंबर में आंसर दे दें तो ये हो जाएगा 3 × 6, x इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/3। x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 होल नंबर 1/3। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ log 27 रेज टू पावर 1/81, जो हम के इक्वल ले लेंगे x के और कन्वर्ट करें अब एक्सपोनेंशियल में तो ये हो जाएगा 27 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/81 हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए हमें बेसिस सेम करने हैं तो हम बेस सेम करेंगे, 27 को वी कैन राइट 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर x और 1/81 को हम लिख सकते हैं 1/3 रेज टू पावर 4। अंडरस्टैंड? अब 3 की पावर 4 हम ऊपर बेसिस सेम लेंगे, 3 रेज टू पावर 3x और यहाँ पर आ जाएगा 3 रेज टू पावर -4। हमने बेसिस सेम कर दिए, पावर को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे 3x इज इक्वल टू -4, x इक्वल हो जाएगा -3। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड 4/3। अंडरस्टैंड? तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4/3। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड फॉलो करते हुए आपको ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अंडरस्टैंड?